नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी इंसा के जो बापू सरदार मगर सिंह जी की याद में जो आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है उसकी सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो ब्लड डोनर हैं वो अभी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? अमरजीत सिंह। सर क्या काम, प्रोफेशन क्या है? आर्मी एक्समैन। मैं आर्मी से पेंशन आया, पेंशन आके पहला भी मैं काफ़ी बार ब्लड दान कर चुका हूँ, पर जब मेरे को इधर आता है मेरे को बहुत बहुत ही आराम मिलता है, क्योंकि डेरे सच्चे सौदे ने आर्मी वास्ते बहुत कुछ भला किया है। पहले भी हमारे को था, हम अभी पेंशन आके हम खुद ब्लड दान कर रहे हैं, जो कि गरीबों के लिए जाता है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा इससे सुविधा मिलती है। और जो डेरे सच्चे सौदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है, तो इसके लिए ये हमारे गुरु जी इधर होते तो अभी हमने और भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करनी थी, पर कुछ वजह कारण, लोगों की वजह कारण हमारे डेरे में कुछ पिताजी को अंदर करके रुकावट पड़ी है। तो हम ही सभी को यही बताना चाहते हैं भी हमारे को कुछ डेरे के लिए सेवा करने के लिए हमारे गुरु जी को और मौका दिया जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। सर आपने आज खुद भी ब्लड डोनेट किया है? यस, मैंने आज किया, अपनी खुशी से किया भी, कुछ हमारा ब्लड दान गरीबों को जाए और डेरे का नाम ऊंचा होए। और सर, आपके अंदर ये सोच कैसे आई, जैसे आजकल कोई नहीं किसी के लिए सोचता, हम देखते हैं आम जनता में लोग कोई भाई भाई को खून नहीं देता है, आप आम जनता के लिए गरीबों के लिए खून दान कर रहे हो? असी बेटे काफ़ी देर तो डेरे नाल जुड़े हुए हैं, जे कि 99 दे विच मैं कारगिल की लड़ाई लड़ी है, टैगरे हेड ते मेरे साथ वाले बंदे बेटे शहीद होए हैं, और मालक दी दया से मेरे पिता जी ने मेरे को दत दी थी कुर्ता पजामा, मैं नीचे दी पा के लड़ाई लड़के आया। मैं तो सानू पूरा विश्वास है, उत्थे साडा कोई सानू तकलीफ नहीं आई, इस करके सानू बहुत विश्वास बनया हुआ है, बहुत चिर दे सारा परिवार डेरे नाल जुड़िया हुआ है। सर आपने हमारे देश के लिए कारगिल की लड़ाई जैसे लड़ी है, आर्मी बहुत हमारे देश की रक्षा करती है, बॉर्डरों पे रहती है, जैसे कि दिखाया जाता है, एक्चुअली में जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में क्या सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी इंसा ने हमारी आर्मी के लिए, हमारी फौज के लिए काम किए हैं? जितना संत गुरमीत राम रिम सिंह ने फौज के लिए किया ना, वो उतना तक किसी ने किया ही नहीं है, बॉर्डर कार्ड तोड़े है। और जितना प्यार करते हैं आर्मी से, क्योंकि मैं 2-3 बारी लड़ाई में पिताजी के पास आके गया हूँ, बैठ के गया हूँ, मैं उधर पूरी रात लड़ाई की कहानी सुनाई सी, इस करके पिताजी बहुत प्यार करते हैं आर्मी से, और इंडिया के लिए बहुत बड़े काम करते हैं, इसलिए हम पूरे सलाघा योग हैं भी असी ब्लड दान करके सेवा कर सकी अगे जाके। हुण मैं पेंशन आया हूँ, पेंशन आके भी मैं ब्लड दान अज कीता, मैंने तो बहुत खुशी आती है दिल दे विच, जो हमारे पिता जी के चरणों पे आपां हम लाइन पे चलते हैं तो हमारे को बहुत खुशी आती है। जरूरत है सर उनकी समाज को? पूरी जरूरत है जी, कोई नाल दी तां गल ही नहीं, बहुत जरूरत है सानू, और जरूरत होएगी, पूरी होएगी, जरूर होएगी, पर ये कुछ दुनिया को पछतावा है। हम तो यही बोलेंगे कि दुनिया पे बहुत भार, जिसको बोलते हैं बहुत कष्ट आने वाला है, तो इसका कष्ट तो हमारे गुरमीत राम रिम सिंह जी काटेंगे। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी की? दोबारा सरकार से क्या मांग करोगे संत जी की? सर सरकार से हम यही मांग करेंगे कि दुनिया पे हमारे विश्वास से बहुत कष्ट आने वाला है, जो डेरा सच्चा सौदा एक दिन बहुत आगे आएगा, सरकार को हम यही याद दिलाता चाहते हैं भी आपके काम डेरा सच्चा सौदा संत गुरमीत राम सिंह आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ एक्स आर्मी ऑफिसर जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपना योगदान दिया, और ये हमारे बीच में आज बैठे हैं और बता रहे हैं कि आज ये खुद भी समाज के लिए खूनदान कर रहे हैं। जैसे इनका कहना है कि आर्मी के लिए डेरा सच्चा सौदा की तरफ से खूनदान जाता था, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी की तरफ से खूनदान जाता था, खून जाता था, आज ये उनसे प्रेरणा लेकर उनके साथ जुड़े हुए हैं और लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। ये हैं वो फैक्ट जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे। दूसरी तरफ ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि संत जी क्या समाज को ज़रूरत है, जिस तरीके से आज खूनदान कैंप लग रहे हैं, इसको बड़े स्तर पर करने की और लोगों की जान बचाने के लिए आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा की मांग हो रही है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत